पंजाब पुलिस की नींद उड़ाने वाला अमृतपाल सिंह इन दिनों छिपता फिर रहा है। पुलिस ने भगोड़े अमृतपाल सिंह को ढूंढने के लिए राज्य में मेगा सर्च ऑपरेशन छेड़ रखा है। जगह जगह दबिश दी जा रही है। अमृतपाल से जुड़े करीब 100 से ज्यादा लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिन अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो भाग निकला। जगह जगह पुलिस पैदल मार्च निकाल रही है। समर्थकों और करीबियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। माहौल बिगाड़ने की आशंका के मद्देनजर पंजाब में रविवार दोपहर तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी, जिसे अब सोमवार तक बढ़ा दिया गया है। खालिस्तान की मांग करने वाले अमृतपाल सिंह के चलते पंजाब में स्थिति तनावपूर्ण है। पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी है और पूरे राज्य को अलर्ट कर दिया है। अमृतपाल सिंह के आवास के बाहर भी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। इसके बाद ही गांव में एंट्री मिल पा रही है। वहीं पंजाब के बड़े गुरुद्वारों की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। पुलिस लगातार अमृतपाल सिंह को पनाह देने वालों को भी ट्रैक कर रही है। पुलिस की तरफ से पंजाब के लोगों से अपील की गई है कि वो शांति सद्भाव बनाए रखें और बिल्कुल ना घबराएं। इसके अलावा फर्जी खबरों पर भी ध्यान ना देने की अपील की गई है। पंजाब पुलिस ने वनडे एक्शन में अमृतपाल सिंह के मार्गदर्शक माने जाने वाले दलजीत सिंह कलसी को भी गुरुग्राम से हिरासत में लिया है, जो एक्टर और प्रोड्यूसर है। बीते दिन पुलिस के सर्च ऑपरेशन के दौरान अमृतपाल सिंह जिस गाड़ी से भागा था, उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक उसकी गाड़ी और पुलिस की गाड़ी के बीच टक्कर भी हुई थी। पुलिस ने उस गाड़ी से 315 बोर की पिस्टल, तलवार, वॉकी टॉकी भी बरामद किया है। इसके अलावा पंजाब पुलिस एक फर्जी नंबर प्लेट को भी अपने कब्जे में ले चुकी है। पुलिस ने जालंधर के सलीमा गांव से गाड़ी को अपने कब्जे में लिया है और इस गाड़ी की जांच की जा रही है। कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। जालंधर के पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल ने इस मामले को लेकर कहा है, करीब 20 से 25 किलोमीटर तक पुलिस ने उसका पीछा किया था, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा। हमने कुछ हथियार बरामद किए हैं, साथ ही दो कार भी जब्त की गई है। आगे की तलाश जारी है और हम उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। कानून व्यवस्था को कंट्रोल में बनाए रखा जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक अमृतपाल के खिलाफ 3 केस दर्ज हैं। इनमें से 2 मामले अमृतसर जिले के अजनाला थाने में हैं। अमृतपाल ने 23 फरवरी को समर्थकों के साथ अजनाला थाने पर हमला बोला था, जिसके बाद अमृतपाल का नाम काफी चर्चा में आया। इसके अलावा उस पर भड़काऊ भाषण देने का भी केस दर्ज है। आखिर ये अमृतपाल सिंह है कौन, जिस पर पूरे पंजाब का माहौल खराब करने का आरोप लगा है? दरअसल अमृतपाल सिंह एक धार्मिक उपदेशक है और ये हाल ही में दुबई से लौटा है और दीप सिद्धू द्वारा स्थापित किए गए संगठन वारिस पंजाब दे का प्रमुख है। अमृतपाल सिंह दीप सिद्धू की मौत के बाद वारिस पंजाब दे का प्रमुख बना था। अमृतपाल सिंह पर खुफिया एजेंसियों की नजरें हैं। वो अमृतसर जिले के चल्लूपुर खेड़ा गांव के रहने वाला है। बताया जाता है कि अमृतपाल अपने हथियारबंद समर्थकों के साथ पंजाब में काफी सक्रिय है।